इमोशंस, भाव, जज्बात, एहसास, जितने लोग उतने ही दुनिया में हर तरफ ही फैले हुए हैं। एक गांव में हर किसी के अपने ही जज्बात थे। चलिए सुनते हैं उसकी कहानी। बस्ती में फैला डा अंधेरा था, हर शजर भी इस कदर जर्द था। एक नदी बहती थी वहां से कोई, सुना है आलम उसका बड़ा खुदगर्ज था। अपने मन की ही करती थी, कभी लीलती तो कभी तरती थी। उम्मीद तोड़ती थी सबकी पल पल, लाजिम है हर शख्स को अखरती थी। एक रोज उसका मिजाज कुछ ठीक लगा तो सोचा कि चलो बात की जाए। आखिर है क्या उसके मन में चलता, उसकी मर्जी की भी आखिर ली जाए। बोली, फकत नाराज हूं मैं, कोई हौसला अफजाई नहीं करता। डरते हैं मुझसे सब जाने क्यों, कोई बैठ मेरे पास रुबाई तक नहीं पड़ता। इतनी तो हर जाय नहीं कि कोई कुर्ब मुझसे ना रखे, मेरे साए में अपने अक्स को ना देखे, कोई मेरा मीठा पानी तक ना चखे। जब किससे ढूंढे और परे की रुसवाई, तो एक बात उचक कर सामने आई। ना गलती थी किसी गांव वाले की, ना ही थी कोई नदी की खता दिखाई। ये सारा खेल था एक फकीर का रचा, सबसे रहता था खिंचा खिंचा। नदी पर अपना कब्जा वो चाहता था, सो जानबूझकर झूठी अफवाह फैलाता था। निकाल फेंका फकीर को गांव से, कर दिया उसको सबने नजरों से दूर। बन गए दोस्त नदी और सारे लोग, उड़ गया छू मंतर हो जो भी था फितूर। सबने था सबक सीखा, तीजे पर कभी न करो विश्वास। क्या पता नियत में किसकी क्या हो छुपा, न जाने कब से रहा हो वो अपना रंग दिखा। एक ही जिंदगी बख्शी है खुदा ने, सब मुस्कुराओ, एक भी पल ना बर्बाद करो। अना में मत उलझो, सब खुलकर बात करो, मोहब्बत करो और जहां को खूबसूरत बनाओ और आबाद करो।